किसी को मौका मिलेगा आपके साथ फिल्म देखने का? कोई चैलेंज इनके लिए देना चाहेंगे आप? अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ज्यादातर जितना मीडिया बैठा है, ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं, और मैं तो चाहूंगा कि ये लोग जब भी ये पिक्चर रिलीज हो और इसका प्रीमियर हो, मेरे बाजू में बैठ के सब लोग ये फिल्म देखें। इट्स अ डिफरेंट फिल्म, नाइस फिल्म। तो मेरे तो सब मित्र हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं जानता नहीं। ज्योति वेंकटेश बैठा है, तांबे है, सब है मेरे पुराने दोस्त। तो आई एम श्योर दे गोना सी दिस फिल्म। शक्ति जी, शायरी के मोड में आप नजर आएंगे, बहुत एक अलग यू नो आप फ्लेवर दे रहे हैं इसमें अपने एक्टिंग का, एक अलग आपका पहलू नजर आएगा आपके फैंस को। आपकी फेवरेट शायरी कौन सी है? कोई एक शायरी हो जाए, कोई सी भी आपके फेवरेट शायर की, जो आप शायद अपने फिलोसफी लाइफ की आप फॉलो करते हैं। ये तो मुझे फंसाने के लिए यहाँ खड़ा करते हैं। एनीवे, इस फिल्म में कैरेक्टर ऐसा है कि जिंदगी से तंग आके वो अकेलेपन में रहता है, सारी जिंदगी इसी गलती में जीते रहे, धूलती अपने चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। बढ़िया है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, और कुछ चाहिए आपको शायरी? अच्छा, किस किस की महफिल में किस किस ने किस किस को किस किस तरह किस किया? किस किस की महफिल में किस किस ने किस किस को किस किस तरह किस किया? एक हमारे मित्र थे जिन्होंने भर भर के किस किया, और एक हम हैं जिसने किसी को भी किस नहीं किया, सबको सिर्फ मिस किया। थैंक यू, बैठ जाओ। हाँ दीजिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बोथ द शायरीज, एंड एज शक्ति जी इज नोन फॉर बीइंग यू नो ऑलराउंड एंटरटेनर, उन्होंने अपनी शायरी जो मतलब फिलोसफी वाली शायरी भी दी और आप लोगों को हंसा भी दिया साथ ही साथ में अपनी शायरी से। तो अब मैं चाहूंगी कि हम हमारे इस फिल्म को, जिन्होंने पूरी तरह प्रमोट किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, दया सर, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टू प्लीज कम फॉरवर्ड। एवरीबडी प्लीज वेलकम मिस्टर जगबीर दया। एंड जगबीर जी के हाथों से हम एक गिफ्ट भी प्रेजेंट करना चाहेंगे शक्ति जी को, नीचे बैठ जा, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द मूवी एंड फॉर बीइंग हियर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू सो मच सर। So, Jagbir ji, please present this bouquet and this gift. ये वो ही है जिनका पैसा लगा हुआ है। रे भाई नीचे बैठ गया। How sweet! Everybody put your hands together for this team. अरे ज्योति वेंकटेश। Okay, so I think Jagbir ji, Shakti sir, what do you say? Motion poster दिखा दिया जाए, reveal कर दिया जाए? Okay, तो मैं चाहूंगी कि हम सब एक तरफ आ जाएं, on one side of the screen, because इस screen पे होगा, और सर हम चाहेंगे कि आपके कहने पर वो लॉन्च किया जाए, right? शक्ति जी की आवाज में motion poster लॉन्च किया जाए। It's a journey of a man who has faced a lot of problems in his internal life, and he sees that the world is not in peace, the world is not good, his own family cheated him, so everyone he finds in life, so he wants to hide himself and live a very lonely life. He
doesn't tell anyone where he is staying and where he is going to be spending the rest of his life. That is where the rest of his life he is spending, in a slum area, a slum place where nobody recognizes him, and how he falls in love with a young girl who gives him happiness which he never got in life. क्या आपको लगता है कंपैरिजन होगा निशब की? हो सकता है मैं रिपीटिंग माय सेल्फ, क्या आपको लगता है निशब से भी कंपैरिजन होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत प्ले किया है कि आदमी की पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में क्या होती है, गरीबी क्या होती है, और एक लड़की की जर्नी भी है जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. और इट इज़ अ फिल्म वेयर पीपल आर गोना गेट वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव. इट्स अ डिफरेंट लव स्टोरी फिल्म. ऐसा मेरे साथ, और ये आदमी अपनी दुनिया में रहता है, शेर व शायरी करता है, लिखता है, राइटर है, और वो लड़की से आधी से भी कम एज की है, और जब अपनी इच्छा सामने रखता है तो क्या होता है. सो इट्स अ फिल्म ऑफ इमोशंस एंड रिलेशंस. ओके, व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन दिस? डू यू फेस सम ऑकवर्ड मोमेंट व्हाइल शूटिंग इट? Yeah, see, awkward moments were there when this girl and they come very close to each other, and there was some physical मतलब कि फिजिकल का मतलब दे होल्ड ईच अदर. एंड व्हेन आई वाज प्लेइंग अ ओल्ड मैन, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ ओल्ड मैन, एंड आई थॉट आई वाज होल्डिंग अ वेरी यंग गर्ल. तो ऑकवर्ड थोड़ा सा लगा था, हालांकि सारी जिंदगी हमने तो सारी दुनिया जानती है मैं कितना अच्छा आदमी हूँ. आपको पूनम ने कंफर्टेबल किया? फैंटास्टिक, वेरी गुड. शी, अगर वो कंफर्टेबल नहीं करती तो मैं शायद कर ही नहीं पाता जो किया फिल्म. अभी आ रही है वो, मैंने सुना है. इस तरह के जब किरदार आपके पास आ रहे हैं और आप फिल्म में काम कर रहे हैं, तो साइन करने से पहले मन में किस तरह की स्थिति होती है? हालांकि आप एक्टर हैं, आप कहानियों में काम करते हैं, लेकिन अब बिटिया भी है, घर पे बच्चे भी हैं, तब क्या दिमाग में ये सब आता है? नहीं, ये बिल्कुल नीट क्लीन पिक्चर है. आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ वल्गैरिटी है, कुछ नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको इस आदमी पर रहम आएगा, तरस आएगा कि इट्स अ फिल्म, यू नो, ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पर आप बोलेंगे कि दे टू मच ऑफ सेक्स इन द फिल्म. दिस अ फिल्म ऑफ रिलेशन, हाउ अ ओल्ड मैन फॉल्स इन लव विद अ यंग गर्ल एंड द जर्नी स्टार्ट्स, एंड हाउ ही फेसेस द सोशल सोसाइटी, एंड हाउ ही विशेस गुड फॉर दिस गर्ल. कोई ऐसे सीन थे जिनको करने से आपने लगा यार ये नहीं करते हैं, ये ज्यादा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं था. डायरेक्टर देखिए, शक्ति जी जो हैं, मैं तो इनको विषम पितामह मानता हूँ, इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ. और इन्होंने इस फिल्म के लिए 6 महीने तक इतनी वो की, दाढ़ी नहीं, बाल सब कुछ ओरिजिनल, इतनी मेहनत की है शक्ति जी ने, और इतने अच्छे इंसान है. मैं ये कहूँगा कि इनके साथ काम करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ. बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छा काम किया शक्ति जी ने. मैं पहली फिल्म जो कर्मा सुभाष गई ने बनाई थी उसमें भी था, कर्मा इसमें भी हूँ, और जर्नी बहुत अच्छी रही है, बच्चों की जर्नी अच्छी चल रही है. आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड. माय डॉटर, माय सन, बोथ आर डूइंग वेरी वेल. इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑल यू गाइस कि अच्छा है. और आज टाइम थोड़ा बदल गया है, यू कैन सी मिस्टर बच्चन प्लेइंग 102 साल के, एंड ऋषि कपूर प्लेइंग द सन. ऐसा पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ था. तो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ चेंज इन द मेकिंग ऑफ अ फिल्म. आई फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और
मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट टीजर्स आई सॉ एंड रणबीर इज क्रेजिली क्लोज सो क्लोज टू संजू इन एवरी पार्ट वी सॉ इन द टीजर बिकॉज संजू की पहली फिल्म रॉकी से लेके अब तक हमारा साथ था. मेरा नाम सुनील कपूर है, शक्ति नाम मुझे सुनील दत्त साहब ने दिया, तो आई एम वेरी क्लोज टू द फैमिली एंड आई फील अमेजिंग अमेजिंग टीजर संजू का. देखिए चैलेंज तो एक्टर लोग आज की डेट में लेते ही हैं, फ्रॉम मिस्टर बच्चन से लेके रणबीर से लेके हर एक्टर डिफरेंट. मिल्खा सिंह आई थी उसमें फरहान अख्तर ने काम किया, तो आज के एक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरी बेटी साइना कर रही है जो अभी टॉप नंबर वन पोजीशन में है, तो वो तो साइना के साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी की उसने हैदराबाद जाके, अभी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाएगी उसकी रेगुलर, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से वो जाएंगी दुबई आबू धाबी, वो प्रभास के साथ फिल्म कर रहे हैं साहू, और तो फिर वो है बिजली मीटर बंद बिजली चालू क्या है बत्ती गोल वेरी नाइस बिकॉज जब मैंने टॉयलेट देखी थी मुझे लगा था कि इस डायरेक्टर के साथ अगर मुझे भी काम मिले तो मैं करूँगा, लकीली मेरी बेटी को मिला है बत्ती गोल मीटर चालू, पिक्चर इज ऑलमोस्ट 70% 80% रेडी. तो वो अलग अलग पिक्चरें कर रही हैं, साइना कर रही है, फिर एक राजकुमार के साथ कर रही है त्री, फिर बत्ती है, फिर साहू है, सो लगे हुए सब लगे हुए. आपका पिटिया के साथ में करेंगे, कभी सोचती नहीं कि साथ में काम करेंगे? करेंगे, कोई रोल लेके आएगा तो डेफिनेटली करेंगे. माय नेम इज दानिश अल्फाज, लिरिसिस्ट. इस मूवी में बहुत मज़ा आया काम करके, क्योंकि इसमें जितने भी गाने हैं सारे डिफरेंट आपको मिलेंगे, कोई भी गाना एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, सब डिफरेंट है. और हर तरह का हमने जोनर इसमें रखा है. शी इज़ लैला एंड शी संग रियली गुड. ये सिंगर है, बहुत बहुत अच्छा गाती है. आई एम रियली सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू मूवी और इसके साथ मेरी बॉलीवुड में एंट्री हो रही है. तो मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से मैं जी जान लगा दिया है कि मेरा जो फर्स्ट म्यूजिक हो ऐसा हो कि लोग. लैला, व्हाट अबाउट यू? हाउ वाज एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सॉन्ग? I'm Laila Festival, I'm a singer and I hate selling two songs. Dono gaane bahut hi alag hain ek dusre se. I can't say much about the song as I'm not allowed to. And you would really enjoy. Danish has done a brilliant job. Thank you so much. We really enjoyed like dubbing all the songs. And this is your debut project? No. I have already done like few songs, they're about to come. Okay, and before this? Before this I'm doing playback singing and doing a lot of things. Okay. They're just about to come. So what kind of singer you are? I sing mostly to jazz. I'm a jazz singer. I sing dance number, I sing sexy numbers, like all kind of numbers. भी मेरे खास फ्रेंड है और मैं चाहता हूँ कि इनकी फिल्म का फ्यूचर ब्राइट होवे और ब्राइट हर भी छोटी या बड़ी सब फिल्म का एक हिस्सा है और सबको मैं सपोर्ट करता हूँ और दिल से चाहता हूँ कि इनका बिजनेस अच्छा होवे और आगे ये लोग आगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी फिल्म बनाए. तो योगेश भाई इतना सपोर्ट करते हैं, आप खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं? एक्टिंग का क्यों शौक है? एक्चुअली सब काम मैं करेगा तो इनका पिक्चर सबका क्या होगा, इसलिए मैं मेरा काम बराबर करता हूँ और जो मेरा काम है उसमें नंबर वन और इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर वन बनना चाहता हूँ. आप बताइए योगेश लखानी का सपोर्ट आपको और क्या चाहिए? योगेश लखानी जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और जब भी मैं जैसे पहले फिल्म लाया अब ये लेकर आ रहा हूँ, मैं इनकी बगैर ब्राइट इनका जो बोर्डिंग का काम वो ब्राइट ही रहता और हमारे लिए भी वो ब्राइट ही रहता हमेशा, इसलिए योगेश भाई को जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. ये बहुत मदद करते हैं मेरी हमेशा और अभी की इन्होंने. और आगे क्या प्लानिंग है? बस जैसे आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मैं तो अभी आया जस्ट, लेकिन सर जैसा बोलेंगे ऐसा अच्छा प्रपोजल मुंबई में पूरा इनका काम करके स्प्रेड आउट, लोगों के रीच होनी चाहिए और उनकी फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए. सर फिल्म की
शूटिंग चल रही थी और उनकी फ्लाइट एक्चुअली मिस हो गई है। नहीं बिल्कुल कर नहीं 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 देखो पूनम जी बहुत अच्छी है, बड़ी मेहनत से, बहुत उसने अपने दिल से इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मैं उनकी एक्टिंग की तारीफ करता हूँ। नहीं 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 मैं रियली बता रहा हूँ, कोई मन मुटाव नहीं है, ये सब गलत खबर है। और पूनम जी जो है हैदराबाद में है, उनकी फ्लाइट मिस होने की वजह से वो टाइम से नहीं पहुँच पाई। जर्नी ऑफ कर्मा हु सर्चेस फॉर द डेस्टिनेशन एंड हैज स्टिल टू फाइंड इट, तो उनको अपनी डेस्टिनेशन की, अपनी मंजिल की तलाश है और ये उसी की जर्नी है। क्या होता है क्या नहीं वो आपको मूवी में ही पता लगेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द क्रेजीनेस एंड द मूवी एंड द यू नो द लाइफ, हर लाइफ, बेसिकली हर लाइफ एंड द ऑब्स्टिकल्स शी हैज टू फेस। या एंड इट्स अ रियल स्टोरी अबाउट अ रियल गर्ल, यू कैन कॉल दैट, बट यू स्टिल हैव टू वॉच एंड टेल यू दैट।